इन सारे निजामों को यकसा तौर पर एक इंसान दुनिया के अंदर महसूस कर सकता है, देख सकता है, इसके फायदे नुकसान अवेयर कर सकता है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी पावर है जिसने एक फैसला दिया और पूरी दुनिया उसको अवेयर कर रही है एक वक्त में। ठीक है, अब कोई आदमी बेवकूफ है तो वो आग से पानी की कोशिश करेगा तो यकीन नुकसान होगा। ठीक है, कोई आग से बचेगा तो बचेगा। तो हमें सिर्फ तरीका सीखना है कि हमें आग से सीखना है कहीं जाके, या उसको समझना है, उससे नुकसान से बचना है। चांद में ठंड होती है, ठंडा है प्लेनेट है, तो उसका एक गलत फायदा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी अहम कमी जो है वो ये है कि हमें पहलवानों के जरिए मार्शल आर्ट मिली है, कबड्डी के जरिए जुड़ो मिली है। जुड़ो पता है लोगों को, कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, बताऊंगा आगे स्टाइल की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर असल में स्टाइल आ ही नहीं सका दूसरे मुल्क से। अभी भी स्पोर्ट्स एथलीट पाकिस्तान के अंदर छाया हुआ है, लेकिन अक्सरियत जो इंटरनेशनल लेवल के चैंपियंस हैं, चैंपियन गोल्ड मेडल्स हैं, वो अब मास्टर कर रहे हैं या अब हाल ही में उन्होंने किया है बिना बताए, ताकि पता भी ना चले। तो बात यह है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल पहले है और थ्योरी अब आ रही है। इसका मतलब आपको पता क्या है? अगर हम हदीस पढ़े तो कहते हैं कि जो आदमी के पास अमल है, इल्म नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, इल्म वाला है। जिसके पास इल्म है, अमल नहीं है, वो जाहिल है। अगर हम दीन को देखें ना, तो अभी हम बात करें स्पोर्ट्स साइंस और मार्शल आर्ट की, जिसमें कराटे भी शामिल है, ताइक्वांडो भी शामिल है, दुनिया के जितने स्टाइल शामिल है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम जो स्टाइल कर रहे हैं वो क्या है, उसके फायदे फवाद क्या है, वो स्टाइल कहाँ का है, उसके फाउंडर के बनाने का मकसद क्या था। ये चीजें पता होंगी तो हम उसकी ट्रेनिंग पैटर्न को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी आपको वहां जाकर या वो बंदा यहाँ आए तो समझाएगा, साफ बात है। हम यहाँ बैठे कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन इल्म नहीं पा सकते। वो जैसे कुरान पढ़ने के लिए हमें कुरान के मुसलमान के पास जाना पड़ता है, घर बैठ के अपने अम्मा अब्बा की मोहब्बत में जो मिल जाती चीजें नहीं मिल जाएगा, जो उसका एक्सपर्ट है उसी से मिलेगा। कुरान जैसे सहाबी को नबी से मिला, नबी को फरिश्ते से मिला, भेजा ने था, गलत तो नहीं कह रहा कोई बात है, गलत फॉर्म पकड़ लिया नहीं भाई, उनको कराची आता था कुरान पढ़ना, गलत तो नहीं कह रहा, सीखा है, दिल पढ़ रखा है। हमारे यहाँ दिल इतने से है, किसी ने अगर ये कह दिया कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ सीख लो, जान निकल जाती है, सीखना नहीं चाहते। और सीखने के बाद खामोशी बैठे सुन लो, क्या बोला है, समझना आती है तो कबूल करो, नहीं आती है तो ये बड़ी आती नहीं कर। तो हम शुरुआत करते हैं ओकिनावा से। मार्शल आर्ट की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि अगर मैं ओकिनावा से शुरू करूँ तो 5.5 साल पुरानी है, 4.5 साल पुराना मार्शल स्टाइल है। तो 5.5 साल पहले का मतलब ये है कि जितने भी स्टाइल जब नाम दे रहे हैं, कराटे, शोतोकान, क्योकुशन, ताइक्वांडो, जूडो, जुजुत्सु, कुछ भी नहीं था। फिर हजरत अली क्या करते थे, जो एक तलवार से बाल में जाए क्या करते थे, कौन सी गाड़ी सीखी थी उन्होंने, सवाल बनता है ना। फिर हजरत मूसा इस्लाम बेहतरीन फाइटर थे, सुलेमान इस्लाम भी अगर देखे तो फाइटर थे, हजरत दाऊद इस्लाम भी फाइटर थे, वो कौन सी मार्शल आर्ट करते थे? और ये कहना है कि वो मार्शल आर्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, वो हैंड कॉम्बैट जानते थे, हत्ता कि हमारे तभी भी हैंड कॉम्बैट जानते थे। एक काफिर जो है वो मक्के के अंदर मौजूद था और वो छेड़ने के लिए जो है कम करने के लिए कह रहे थे, कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि मैं तब्दील की नहीं जा रहा हूँ, तो कहा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, वैसे तो कोई नहीं मानेगा, मैं मान लूंगा, अगर मेरे खाने में आओ मुझे बेहतर करवानी हो। इसलिए क्योंकि आपका जिसम कोई इतना एक शिव नहीं था, दरमियाना जिसम था आपका, जैसा सीना ऐसा ही पेट, कोई बहुत पहलवान वाला जिसम नहीं था। तो उसने छेड़ने के लिए ये बात की, तो आपने बोला कि वादा करते हो कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूँ, मेरी बात मान लोगे, कहा हाँ। तो उस वक्त काफिल भी आज के मुसलमान जैसे नहीं थे भाई, कह दिया करते थे तो मान लिया करते थे, जवाब भी पक्का हो गया और अखाड़े के अंदर बुला लिया। उसके बाद आपने अपनी टैक्निक शुरू की, क्या टैक्निक थी वो फैसला जानता है, वो खुद जानते हैं बेहतर, मैं उसको नहीं जानता। तो वो पहलवान बार बार यही जस्ट कहता था कि आपने जवानी की है मेरे साथ, मुझे मौका दो, मुझे समझने का मौका दो, जवानी कर रहे हो, नहीं रुको भी, बार बार हार रहा है, बार बार यही बात कर रहा है, पता नहीं क्या टैक्निक कर रहे थे। और उसी पता नहीं कर रहा है, पहलवान था एक्सपर्ट था दिखेंगे का, और वो गिर गया कई बार उसको बैठा इज्जत से। उसके बाद कहा कि हार गए, अभी मान लिया, और उसने भी ईमान लेके आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टेक्निक पहलवानी पे हावी है, ये मेरी बात याद रखिएगा हमेशा, ये दुनिया के हर
गेम के अंदर है, जीत के अंदर भी शामिल है। बड़ी डिस्ट्रिक्ट, नाहर डिस्ट्रिक्ट, उमाने डिस्ट्रिक्ट, ये तीन डिस्ट्रिक्ट है। अब तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओकिनावा सिस्टम होता है। दुनिया का कोई भी हिस्सा है एंट्री कर ही नहीं सकता, कोई भी हो। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी मैं आपको शॉर्ट को समझा रहा हूँ। सीखने के लिए जिंदगी लगी थी, आज बताने में मिनट लगे। इन्होंने कई मास्टर को सिखाया, एक मास्टर था गिचिन फलामुशी, जिसने आगे जाके शोधकांत बनाई। और एक टाइम मास्टर था कैमा मामूनी, जिसने आगे जाके शितोई बनाई। शितोई और शोधकांत में कुछ भी फर्क नहीं है, सब स्वयं दूसरे का है, कुछ भी 19-20 का फर्क नहीं है। ठीक है, क्या रखिएगा मेरी बात। इनके और भी शागिर्द है, लेकिन जो मैंशनेबल शागिर्द है वो ये है। ये दो भाई थे, इनका नाम, इनकी पढ़ाई 1832 की है और 1915 के अंदर ये मर गए थे। ये दो भाई थे, इनका नाम है अंतुल आसू, एक भाई और था अंतुल आसातू। दोनों भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी के, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिशनर, और जिन्होंने मास्टर के आर्ट को चेंज नहीं किया। पर रखिएगा, किसी ने आपकी सीखने के लिए जब उस्ताद सिखाया तो वही सिखाओ जो सर सिखाया है। अपन मन को लगा दोस्तों पर, उसके फिर आप पूरी ट्रेडिशन को बर्बाद कर देते हो। जो सिखाया वो सिखाओ उसी को, अगर आपको याद है कि सिखाना क्या है। तो लैंडिंग की एक नीज होती है, उसके बाद उनकी तस्वीर इसकी मैं चली गई, क्योंकि उनसे एक और चैन बन गया था शुरू नाम का, मैं उनको मैं चली गई ये कैसे की भेज देने वाले। इसके बाद चौशी छिपाना, इनकी पैदाइश है 1885 और इनकी मौत हुई है 1969, जब मेरे फादर को ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन पसंद मुझे पहले मिली थी, इनके अंडर में ट्रेनिंग की है। ये एजाज पूरे साउथ एशिया में किसी के पास नहीं है, साउथ एशिया